माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गजानन जी महाराज को नमन करते हुए, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ, तेरी दहलीज को सूते ही मैं कुछ और होता हूँ। देवस्थान पे जाते तो यही, और वहाँ से ही शक्ति मिलती है हम सबको। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग से संबंधित मांग संख्या 37 के क्रम में आज कुल 61 माननीय सदस्यों ने 147 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनके उत्तर माननीय सदस्यों को शीघ्र ही भिजवा देंगे। देवस्थान विभाग के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा में माननीय 29 सदस्यों ने भाग लिया, उनके सुझाव बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय है। मैंने इन सभी सुझावों को नोट कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा, इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के मंदिरों के विकास एवं मंदिरों के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के मद्दे नज़र उचित कार्रवाई हम करेंगे। माननीय सदस्यों ने देवस्थान विभाग के संबंध में पुजारियों का मानदेय बढ़ाने, मंदिरों धार्मिक स्थलों को विकसित करने, मंदिर माफी की जमीनों की भी चिंता की, माउंट आबू का नाम बदलकर अबूराज करने की भी चिंता की, वन विभाग गोचर भूमि और पहाड़ी स्थानों पर स्थित मंदिरों के विकास में आ रही समस्याओं की भी चिंता की। देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों का विकास करवाने की भी चिंता की। देवस्थान विभाग के मंदिरों की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की भी चिंता की। देवस्थान विभाग के मंदिरों तक सड़क बनाने की भी चिंता की, और विभाग में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की भी चिंता की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी मांगों को निश्चित रूप से हम सुलझाने के पूरे प्रयास करेंगे। देवस्थान विभाग मंदिर संस्कृति के संरक्षण एक संवर्धन का विभाग है। राजस्थान मंदिरों का प्रदेश है। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं, आराध्य देवताओं, लोक देवताओं, महापुरुषों, संत महात्माओं के मंदिर बने हुए हैं, जिसमें आदिकाल से आ रही हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की झलक मिलती है। इन मंदिरों से पुजारियों सहित लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इन मंदिरों में राजस्थान के अलावा देश विदेश के लाखों पर्यटक रोजाना दर्शनार्थ के लिए आते हैं, जिससे मंदिरों में आय बढ़ती है। साथ ही राजस्थान में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से राज्य की आर्थिक आय में भी वृद्धि हो रही है। राजस्थान में आराध्य देवताओं के अलावा लोक देवता, महापुरुषों जैसे वीर तेजाजी, बाबूजी महाराज, मीराबाई, गोगाजी महाराज गोगामेड़ी, रामदेव जी महाराज रामदेवड़ा, महाराणा प्रताप स्मारक उदयपुर, दीनदयाल उपाध्याय स्मारक धानक्या जैसे अनेक स्थलों का राजस्थान के इतिहास में महत्व है। इन सब के विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। विभिन्न तीर्थ स्थलों पर बने राज्य के मंदिर एवं पूजा स्थल मध्यकाल से ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों के केंद्र रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके माध्यम से ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, संगीत, शिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, भजन, नृत्य परंपरा आदि का संरक्षण, प्रसाद एवं प्रशिक्षण होता रहा है। देवस्थान विभाग विरासत में प्राप्त ऐसी ही
धार्मिक एवं पुण्य प्रयोजनात स्थापित संस्थाओं एवं राजकीय मंदिरों मठों लोक प्रन्यासों का नियमन करने उनके प्रशासन हेतु मार्गदर्शन देने उन्हें आर्थिक सहयोग देने जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। देवस्थान विभाग के 390 प्रत्यक्ष प्रभार एवं 203 आत्मनिर्भर कुल 593 मंदिरों का प्रबंधन भी करता है, जिसमें राजस्थान से बाहर भी 25 के आसपास मंदिर है। विभाग द्वारा लगभग 48,466 मंदिरों का शाश्वत वार्षिकी तथा 10,009 मंदिरों को सहायता अनुदान राशि भी दी जाती है। प्राचीन काल से ही देवस्थान विभाग पुण्यात विभाग के रूप में न केवल मंदिरों के प्रबंधन में बल्कि विद्वानों निराश्रितों विद्यार्थियों एवं साधु संतों को सहयोग एवं संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। विभाग के मंदिर धार्मिक नैतिक सामाजिक शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र है। वास्तु शिल्प तथा कलात्मक वैभव समेटे हुए राजस्थान के प्रत्येक मंदिर का अपना इतिहास है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग सार्वजनिक प्रन्यासों के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के विशाल मंदिर जैसे खाटू श्याम जी, मोती डूंगरी गणेश जी, मेहंदीपुर बालाजी, केला देवी करौली तथा अन्य अनेक प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 के माध्यम से विभाग से जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों में आम जनता को कैसे सुविधा दी जाए, विभाग निगरानी रखता है तथा समय समय पर मंदिर प्रबंधन को दिशा निर्देश भी देता है। वर्तमान में देवस्थान विभाग में 10,686 प्रन्यास पंजीकृत है। प्रन्यास पंजीकृत मंदिर, ट्रस्ट, सामाजिक सरोकार, हॉस्पिटल, स्कूल, आश्रय स्थल, अनाथालय, यात्रियों की भोजन व्यवस्था, पौधरोपण जैसे कार्य कर जन सेवा का कार्य भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले हाथों से अधिक पवित्र होते हैं। इसी उद्देश्य से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने हेतु विभाग द्वारा 2013 से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को श्रवण कुमार बनकर के देश के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों यथा रामेश्वरम, तिरुपति, वैष्णो देवी, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कामाख्या देवी आदि तीर्थस्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है एवं पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की हवाई यात्रा भी निःशुल्क करवाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो अपने जीवन में स्वयं के खर्चे पर धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते उन्हें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के माध्यम से यात्रा कराकर उनके जीवन को खुशी प्रदान करने का काम देवस्थान विभाग करता है। विभाग द्वारा अब तक लगभग 1.5 लाख वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा करवाई जा चुकी है, जिसमें 1,30,481 रेल द्वारा और 20,101 हवाई द्वारा यात्रा करवाई है। वर्ष 2023-24 में 33,234 वरिष्ठ जनों को रेल और हवाई यात्रा से लाभान्वित किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या में श्री भगवान राम जी के मंदिर के दर्शन हेतु इस वर्ष 4 ट्रेनों का संचालन किया जाकर 2,999 वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में भी योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक योजना अंतर्गत
36,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा कराई जाएगी, जिसमें रेल द्वारा 15,000 वरिष्ठ जनों को अयोध्या एवं 15,000 वरिष्ठ जनों को विभिन्न तीर्थ स्थल रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या इत्यादि एवं 6,000 वरिष्ठ जनों को पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की हवाई यात्रा कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा सिंधु दर्शन योजना अप्रैल 2016 में हमारी भाजपा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, राजस्थान सरकार द्वारा भारत के लद्दाख स्थित सिंधु नदी के उद्गम स्थल तक यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता के रूप में 10,000 रुपये राशि दी जाती है। इस योजना में अब तक 35 यात्रियों को लाभान्वित कर 3.5 लाख रुपए की राशि का व्यय हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले राजस्थान के स्थायी मूल निवासियों को ₹1,00,000 रुपये प्रति यात्रा की सहायता दी जाती है। योजना अंतर्गत अब तक 527 यात्रियों को लाभान्वित कर 5,27,00,000 रुपये का व्यय किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के अंतर्गत मोक्ष कलश यात्रा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत कोविड-19 के कारण परिवहन संसाधनों के सुचारू संचालन के अभाव में राज्य के गरीब परिवारों के मृत व्यक्तियों के गंगा जी में अस्थि विसर्जन हेतु रोडवेज की बसों के माध्यम से प्रति अस्थि कलश व्यक्तियों को हरिद्वार, प्रति अस्थि कलश दो व्यक्तियों को हरिद्वार की यात्रा पर जाने के लिए यात्रा शुरू की थी, और इसमें 1,73,373 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करवाई गई, जिस पर 12.76 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने शुरू की थी। आपको भी धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग द्वारा नंदन वन आप भी बैठे बैठे बोल रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग द्वारा नंदन कानन योजना के तहत विभिन्न स्वायत्त शासी संस्थाओं, भामाशाह तथा जिले के DMFT फंड के माध्यम से देश के मंदिरों की रिक्त भूमि पर सघन वृक्षारोपण कर उपवन व नक्षत्र वाटिका विकसित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मेरे अधीन चारों विभागों के माध्यम से राज्य भर में 25,00,000 पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया, जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा 5,00,000 पौधे लगाए जाएंगे, पशुपालन विभाग द्वारा 3,00,000 पौधे, गोपालन विभाग द्वारा 12,00,000 पौधे एवं डेयरी विभाग द्वारा 5,00,000 के पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मंदिरों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने देवस्थान विभाग के अधीन 50 मंदिरों को इस वर्ष पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर नक्शे से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आगामी वर्षों में भी देवस्थान विभाग के महत्वपूर्ण मंदिरों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट व नक्शे से जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मंदिरों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। विभाग द्वारा 9 मंदिरों तथा मंदिर श्री कुशल बिहारी बरसाना, मंदिर श्री गणेश जी रातानाड़ा जोधपुर, मंदिर श्री कैला देवी झील का बड़ा बयाना भरतपुर, मंदिर श्री माताजी मावलियान जयपुर, नीमच माता उदयपुर,
नागणेशी माता मंदिर बीकानेर, ब्रज नीति चांदनी चौक जयपुर, बिहारी जी भरतपुर एवं मथुरा दिज्जी अलवर में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था सरकार और देवस्थान विभाग द्वारा की गई और अभी वर्तमान में भी चालू है। ऑनलाइन दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग मंदिर संस्कृति एवं प्रतिष्ठा को उत्कर्षता की ओर ले जाने हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा गोगाजी मंदिर गोगामेड़ी, कैला देवी झील का बड़ा मंदिर करौली, माताजी मावलियान जयपुर, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर जैसे बड़े विभागीय मंदिरों में विशाल मेलों का आयोजन तथा प्रबंधन किया जाता है, जिनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संस्कृति को लेकर, भारतीय संस्कृति की इस पवित्र परंपरा को संरक्षित रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर विभाग द्वारा गुरु पूर्णिमा दिनांक 21/7/2024 पर राज्य एवं राज्य के बाहर के कुल 218 संत महात्माओं, धर्म गुरुओं, उनके आश्रम मंदिरों में जाकर उनका सम्मान करने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, जिस पर 10,90,000 की राशि व्यय हुई है। किया अलवर के माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर के भी गुरु है ना ये सूची? अलवर के गुरु तो ये है टीकाराम जी। ये भी गुरु है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल के कार्यकाल में मंदिरों के विकास में सरकार हमेशा ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और देवस्थान विभाग को है कोई तरह की तवज्जो नहीं दी 5 साल। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य हेतु 5.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी, परंतु अध्यक्ष महोदय, उनकी सरकार की राज्य के मंदिरों के प्रति उदासीनता के कारण 593 मंदिरों में से 217 मंदिरों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रदेश में पैनोरमा निर्माण तथा महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधाएं राशि 1.40 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी, उक्त घोषणा पर्यटन विभाग से की है। ये भी नहीं, उक्त घोषणा के नोडल कार्यकारी एजेंसी पर्यटन विभाग होने से ये घोषणा क्रियान्विति नहीं हुई है। पिछली सरकार की घोषणा है लेकिन क्रियान्विति नहीं हुई। विगत 5 वर्षों में विभाग में कुल 137 कार्य 119.22 करोड़ के स्वीकृत हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन स्वीकृत कार्यों में 38 कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए और 30 कार्य निरस्त हो गए। तो सरकार की उदासीनता की इन कार्यों के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी वर्तमान सरकार द्वारा मंदिरों के विकास हेतु इस वर्ष जो बजट में घोषणाएं की है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी मंदिरों के प्रति रुचि रखते हैं और मंदिरों में जाकर के पहले आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेने के बाद में सब अपना दिनचर्या शुरू करते हैं और सरकार का काम करते हैं। तो माननीय भजनलाल जी ने हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर माननीय भजनलाल जी ने खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है, बजट में घोषणा की है। इसी तरह से राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार
वह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 मंदिरों एवं 3 जनजाति आस्था केंद्रों के विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि पिछली सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 में गोविंद देव जी सहित 14 मंदिरों के विकास हेतु घोषणा की थी, जिसे पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण में वो घोषणा पूरी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार ने इन 14 मंदिरों के आस्था केंद्रों व मंदिरों के साथ साथ 14 तो पहले वाले और अब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूंछरी का लोटा डिग, श्री बड़े नरेश मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मंदिरों आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि से करवाए जाने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो घोषणाएँ की है हमारी सरकार इसे पूरा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान पर विश्वास करना इसलिए अच्छा है क्योंकि भगवान पर जब हम विश्वास रखते हैं तो हमसे नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाती है, मन सकारात्मक भाव से भर जाता है, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और जो हमारे हित में होगा वही करेंगे। हमारी सरकार सकारात्मक सोच रखते हुए भविष्य में भी मंदिरों के संरक्षण एवं संवर्धन के हेतु विकास कार्य कराने हेतु कृत संकल्प है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में इन सभी देवी देवताओं, साधु महात्माओं, महापुरुषों के आशीर्वाद से राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।